जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या नए करियर पे जंप लेना चाहते हैं तब हम अक्सर क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। डोंट वरी, मेरे साथ भी ये चीज बहुत होती है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। पर आपको पता है इससे होता क्या है, हम इतने घबरा जाते हैं कि हम गिव अप करने का सोचते हैं। और यही जो सोच है इसको दूर करने के लिए तो हमारे मैप ऑफ मी का आज का एपिसोड है जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देगा। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान से आपने पूछा तो वो आपको यही बताएंगे कि चैलेंजेस लाइफ में आते ही रहते हैं। दोस्तों, हमें उन चैलेंजेस पर मात करनी ही पड़ेगी, उसका डट के सामना करना पड़ेगा और वो भी पॉजिटिविटी के साथ, तभी हम इन चैलेंजेस पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन एवरी चैलेंजिंग सिचुएशन ओनली पॉजिटिविटी कैन सेव यू। तो अब सवाल ये है कि कैसे रहा जाए पॉजिटिव। देखते हैं, पूछते हैं हमारे आम जनता से, मेरे और आपके जैसे लोगों से, कि वो अपने लाइफ में पॉजिटिव कैसे रहते हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है, हाउ टू फेस चैलेंजेस इन अ पॉजिटिव वे, वो मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने बातें की और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं जिन्होंने हमें बताया इस चीज को पॉजिटिवली कैसे लेना है। मुझे लगता है ये सब चीजें जो है वो मैं तो इम्प्लीमेंट करूंगी ही, आप भी इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, क्लैरिटी, ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव रहने के लिए। मैं तो ये सब जरूर यूज करने वाली हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी ये सब यूज करना चाहिए, है ना। ये बहुत ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बात। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब तो इधर क्लियर हो ही गए होंगे। शुरुआत में ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ दिमाग को ट्रेन करने वाली बात है। हमें अपने दिमाग को ये बताना होगा, बार बार बताना होगा कि मुझे मेरे चैलेंजेस के सामने घुटने नहीं टेकना है, मैं इन पे जीत हासिल कर सकती हूँ। क्योंकि दोस्तों, जहाँ चाह है वहीं पे राह है।